नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एडेनियम के विषय पर एक नया श्रृंखला शुरू कर रहा हूं आपके लिए। इस श्रृंखला में समय समय पर मैं आपके साथ एडेनियम से जुड़े हर तथ्य साझा करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं तथ्य के साथ प्रमाण भी उपस्थित करता हूं। यह श्रृंखला भविष्य में आप जैसे एडेनियम प्रेमियों के लिए एक वृत्त चित्र बनी रहेगी। YouTube पर अनेकों एडेनियम चैनल पर एडेनियम से संबंधित तथ्य साझा किया जाता है। दुर्भाग्य से उनमें से कई झूठी सूचना साझा कर रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, सीमित संख्या में चैनल ही एडेनियम मिट्टी उर्वरक छटाई विधि और इसके सटीक समय जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को साझा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भी कोई झूठ का शिकार बने, इसी कारण मेरा यह प्रयास। अल्प संख्या में एडेनियम के बीज उगाने के लिए आप पेपर कैप का उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा एडेनियम अंकुरण माध्यम है रेत। कप के आकार के आधार पर प्रति कप 3 से 4 बीज बोए जा सकते हैं। बुआई के बाद बीजों को रेत की पतली परत से ढक दें और पानी देके छाया में रखिए। शीघ्र अंकुरण के लिए बीज बुआई से पूर्व 1 रात के लिए पानी में रखिए। अंकुरण 4 से 7 दिनों में होना चाहिए। अंकुरण देखे जाने के बाद पानी देने में सतर्क रहिए। अतिरिक्त जल से सीडलिंग गल जाएगा। 4-5 पत्ते आने के बाद 1 ग्राम एनपीके प्रति लीटर पानी का घोल 15 दिनों में एक बार दीजिए। इस कालावधि में पौधों को प्रत्यक्ष सूर्य के नीचे ना रखें। दैनिक 1 घंटा अप्रत्यक्ष धूप पर्याप्त है। सीडलिंग्स प्रत्यारोपण कीजिए 120 दिनों के बाद। इस समय प्रत्यारोपण के लिए ऐसी प्लास्टिक गिलास का उपयोग करें। नीचे 2 जल निकासी छेद बना लीजिए। पॉटिंग मीडिया के रूप में सिंडर और सैंड सर्वोत्तम होगा। एडेनियम को बैक्टीरिया मुक्त और फंगस मुक्त ग्रोइंग मीडिया की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से पौध अवस्था में शीघ्र प्रभावित होने का संभावना रहता है। अतएव इस चरण में जैविक माध्यम को त्यागें। मेरे अनुभवपूर्ण सुझाव के अनुसार एडेनियम के लिए सदा ही ऑर्गेनिक मीडिया से दूर रहें। रोपण के लिए प्रदर्शित प्रक्रिया का प्रयोग करें। छह माह तक इसी पॉट में उगाएं। 15 दिनों में एक बार एनपीके का घोल देते रहें। इस समय पौधों को दैनिक 2-4 घंटा अप्रत्यक्ष धूप अथवा 1-2 घंटा प्रत्यक्ष धूप पर्याप्त है। छह माह के बाद उन्हें फिर से ट्रांसप्लांट करें। पौधों को निष्कासित करके जड़ों को धो लें और उन्हें 1-2 दिन के लिए छोड़ दें।
सिंडर की कमी के कारण मैं मिट्टी, कोकोपीट, सिंडर और सैंड मिलाकर पॉटिंग सॉयल बनाया। आपके संग्रह में सिंडर ना हो तो आप इस प्रकार से पॉटिंग सॉयल बना लीजिए। एडेनियम के मिट्टी में कंपोस्ट कभी ना मिलाएं। कंपोस्ट में गुणकारी बैक्टीरिया के साथ हानिकारक बैक्टीरिया भी रहते हैं। यह रूट रॉट को प्रोत्साहित करता है। सुंदर और स्वस्थ कॉडेक्स प्राप्त करने के लिए अभी टैप रूट को काट दें। आकर्षक और विचित्र कॉडेक्स बनाने का यही है सही समय। एडेनियम पर आप जो उलझा हुआ रूट कॉडेक्स देखते हैं वह वास्तव में इस चरण में बनाया जाता है। मैं इस गुप्त विद्या को इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आपके साथ साझा करूंगा। प्रत्यारोपण के पश्चात पानी दीजिए और एक दो सप्ताह तक उन्हें छाया में रखें। पौधों के सारे पत्ते झड़ जाएं तो चिंतित ना हो, यह स्वाभाविक है। दो सप्ताह के बाद धूप में रखिए। हर बार पानी देने से पूर्व सुनिश्चित हो कि मिट्टी संपूर्ण सूखा है। एडेनियम को गीली मिट्टी से घृणा है। पौधों की वृद्धि का अवलोकन करते रहिए। यदि आप एक एडेनियम पर कई नए अंकुर देखते हैं तो उसके शीर्ष को काट दें। आपको मल्टी ट्रंक पेड़ मिलेगा। ऑल अबाउट एडेनियम श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आप सीखेंगे कि इस प्रकार के विशेष आकार का कॉडेक्स कैसे बनाया जाता है और कैसे इस प्रकार का मल्टी ट्रंक एडेनियम बनाया जाता है। इस कड़ी में इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।